हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड. सो गाइस, आज हम अपनी कौन सी क्लास में जाएंगे? मैथ्स की क्लास में. तो बच्चों, अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कैसे रिवाइज करेंगे? जैसे कि मैम आपको हमेशा कहते हैं, आपने सबसे पहले हेडिंग लिखनी है, सम्स ऑफ एडिशन पढ़ना है. ऊपर क्या लिखा है? एडिशन, अ से शुरू हो रहा है ना, और ये साइन भी है एडिशन का, इसको भी याद रखना है. यानी एडिशन में हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं. तो देखो कैसे प्लस करना है. थ्री पहले रीड करना होता है ना सम को. जैसे मैम आपको रोज़ बोलते हैं, जब भी कोई काम करना है सबसे पहले उस काम को रीड करना है कि लिखा क्या हुआ है, फिर काम करना है. ऊपर लिखा है सम्स ऑफ एडिशन, एडिशन लिखा है. अब थ्री प्लस, थ्री प्लस यानी ऐड करना है, जोड़ना है. तो थ्री प्लस थ्री, थ्री और थ्री को जोड़ना है, ऐड करके लिखना है कि कितने हुए थ्री और थ्री. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो बेटा अब ये देखो, मैम ने कैसे समझाया था. अपर नंबर है थ्री, यानी ऊपर वाला नंबर है थ्री, तो थ्री इन माइंड. और नीचे वाला नंबर है, डाउन नंबर है थ्री, तो ऊपर वाले नंबर को माइंड में रखना होता है. ऊपर वाले नंबर को माइंड में रखो, ठीक है, थ्री इन माइंड. और नीचे वाले नंबर को फिंगर्स पे, थ्री ऑन फिंगर्स, वन टू थ्री. चलो अब माइंड वाले थ्री को याद करो. ऊपर वाला कौन सा था? थ्री, थ्री था ना माइंड में. थ्री, थ्री के आफ्टर बोलना है, फॉरवर्ड काउंटिंग, फोर फाइव सिक्स. तो आंसर क्या आया? सिक्स. अब फाइव प्लस टू, जैसे मैं हमने पहले भी बोला है आपको कि आपने पहले रीड करना है, फाइव प्लस टू. तो अपर नंबर को माइंड में याद रखना है आपने. जब भी आपने एडिशन करना है, प्लस करना है, तो अपर नंबर को माइंड में रखना है. अपर नंबर को माइंड में, तो फाइव है ना अपर नंबर, फाइव इन माइंड. और नीचे वाले नंबर को फिंगर्स पे, टू ऑन फिंगर्स, टू फिंगर्स अप कर ली, तो फाइव इन माइंड. फाइव, अब फाइव के आफ्टर बोलना है, ठीक है. सिक्स, सेवन, आंसर इज सेवन. अब टू में जब जीरो प्लस करो, जीरो का मतलब होता है नथिंग, तो जीरो मीन्स नथिंग, तो टू का टू आंसर. अब मैंने आपको तीन समझा दिए हैं, बाकी तीन आपने खुद प्लस करने हैं. और बेटा प्लीज़, जब तक आपके मम्मा आपकी हेल्प करेंगे आप कुछ नहीं सीख पाओगे. अपने मम्मा को बोलना है कि मम्मा आपने नहीं बताना, एक बार मैम की वीडियो देखो, सीखो, उसके बाद खुद से करो, ठीक है. अब ये सारे सम्स आपने खुद करने हैं. अब उसके बाद देखो क्या है, पढ़ो. पहले सबसे पहले रीड करना है, एड ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन भी किया है ना आपने, तब एड ऑन नंबर लाइन, ठीक है. यहाँ पे देख लो साइन कौन सा, प्लस का, एड का, यानी दोनों को जोड़ना है, निकालना नहीं है. अब पढ़ो क्या लिखा है. फाइव प्लस फाइव इज इक्वल टू कितना हुआ? अब ये मैम ने नंबर लाइन ड्रॉ किया है, आपने ये नंबर लाइन खुद ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक पे. देखो कैसे ड्रॉ करते हैं, एक बार मैम आपको बताते हैं. जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ की एक, ठीक है, चाहे आप फ्री हैंड से भी कर सकते हो. फिर ये जो एक एक लाइन है इस पर लिखते जाना है, यहाँ ज़ीरो. अब ये दूसरी लाइन है, यहाँ वन. अब ये तीसरी लाइन है, यहाँ टू. ऐसे मम्मा को बोलना आपके पास बैठे और आपसे खुद नंबर लाइन ड्रॉ करवाएं, एक एक बॉक्स का गैप देना है ताकि ईजी हो. अब फाइव प्लस फाइव, फाइव में फाइव जोड़ने हैं, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, ज़ीरो से कहाँ जाएंगे? पहला नंबर क्या है? फाइव. तो ज़ीरो से जाएंगे फाइव पर, ये गए हम फाइव पर, ठीक है. अब फाइव में कितने प्लस करने हैं? फाइव, फाइव ही प्लस करने हैं. तो कितनी बार जंप लगाएंगे आगे? फॉरवर्ड जंप करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, स्लोली स्लोली. क्या आंसर आया? टेन. तो फाइव प्लस फाइव इज, यहाँ लिख देना है टेन, टेन इज आंसर. तो ये आपको मैंने बस रिवाइज करवाना है, आपने खुद आंसर लिखना है इसका. अब दूसरा आओ सम क्या है, थ्री प्लस टू, ठीक है. थ्री में टू प्लस करने हैं, तो थ्री में टू प्लस कैसे करेंगे? ज़ीरो से पहले जाएंगे थ्री पे, फिर टू टाइम्स आगे जाना है फॉरवर्ड काउंटिंग, क्योंकि टू प्लस करने हैं.
तो 1, 2 फिर यहाँ आंसर लिख देना है। अब हम करते हैं रिवीजन सब्ट्रैक्शन की। सबसे पहले रीड करो सम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये रहा इसका साइन, याद रखना है एडिशन का साइन भी और सब्ट्रैक्शन का साइन भी। और ये वीडियो आपकी मम्मा ने नहीं आपने देखनी है तभी आपको समझ आएगा, मम्मा पास बैठे वो भी देखें, आपने बहुत ध्यान से देखनी है। माइनस, अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, 4 - 2। अब माइनस बोलते हैं इसको, यानी निकाल देना, 4 में से ऊपर वाले में से नीचे वाले को निकालना। अब इसमें माइंड में नहीं रखेंगे, 4 - 2 यानी 4 में से 2 माइनस करने हैं। तो कैसे करेंगे 4 में से 2 माइनस, ये अब माइंड में नहीं रखते बेटा, प्लस वाले सम माइंड में रखते हैं, माइनस वाले फिंगर्स पे करते हैं। अब ऊपर वाला नंबर है 4, 4 फिंगर्स अपनी उठानी है आपने, पिकअप 4 फिंगर्स, 1, 2, 3, 4। नीचे वाला नंबर क्या है, 2, तो इसमें से 2 क्या करनी है, माइनस, माइनस का निशान है ना, तो 2 को निकाल दो, कितने बचे, आंसर इज 2। अब नेक्स्ट देखो 5 - 5, 5 में से 5 निकालने हैं, तो 5 फिंगर्स ऊपर क्या है, ऊपर वाले जो होता है नंबर उसके अकॉर्डिंग फिंगर्स उठानी है, 5 है ना, तो 5 फिंगर्स उठानी है, 1, 2, 3, 4, 5, और कितनी निकालनी है, 5, 5 में से 5 ही डाउन कर देनी है, 1, 2, 3, 4, 5, कितने बचे, 0, आंसर इज 0। अब नेक्स्ट सम देखो 7 - 5, यानी कि ऊपर क्या है 7, तो ऊपर जो लिखा होता है उतनी फिंगर्स उठानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और निकालने कितने हैं, माइनस कितने करने हैं, 5, तो 5 को डाउन कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी बची, 2, आंसर इज 2। तो इस चीज़ को याद रखना है कि एडिशन में आपने माइंड में रखना है और नीचे वाला फिंगर्स पे, और दोनों को प्लस कर देना है फॉरवर्ड काउंटिंग से, और माइनस में आपने ऊपर वाले में से नीचे वाले को निकालना है फिंगर्स ऊपर करके, नीचे वाले जब निकालना है तो डाउन कर देनी है फिंगर्स। अब उसके बाद देखो बेटा ये है सब्ट्रैक्ट ऑन नंबर लाइन, रीड करो सब्ट्रैक्ट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब ये देखो साइन सब्ट्रैक्ट यानी माइनस, क्या है यहाँ पे 5 - 3, 5 माइनस, साइन ज़रूर देखना है, कई बच्चे ऐसा करते हैं 5 में माइनस का अगर दो तो वो प्लस कर देते हैं, साइन ही नहीं देखते, माइनस करना है, 5 में से 3 निकालने हैं। तो अब नंबर लाइन पे कैसे करते हैं, पहले कहाँ जाएंगे, फर्स्ट नंबर है 5, 0 से जाएंगे 5 पे। अब बताओ माइनस में क्या आता है, माइनस में आता है बैक काउंटिंग, यानी वापस जाना है, आगे नहीं जाना, प्लस में तो आगे गए थे ना नंबर लाइन पे, माइनस में पीछे जाना है, बैक जाना है, बैकवर्ड काउंटिंग चलनी है, पर कहाँ से बैक जाना है, नीचे से बैक जाना है, 5 - 3, 5 में से नीचे से बैक जाओ, 5 तक आए थे हम, अब नीचे से 3 टाइम बैक जाना है, 3 लिखा है ना, 1, 2, 3, तो क्या आंसर आया, 2, सो आंसर इज 2। ऐसे करना है, याद रखना है माइनस में बैक काउंटिंग करनी है, नीचे से वापस जाना है, और प्लस में फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है, यानी आगे आगे जाना है, आगे जंप लगानी है। नेक्स्ट है 8 - 4, तो क्या करेंगे, 0 से जाएंगे 8 पे, क्योंकि 8 पहले लिखा है, बाद में क्या लिखा है 4, तो वापस आएंगे, माइनस का निशान है ना, माइनस का साइन है, तो माइनस में बैक आते हैं नीचे से, 1, 2, 3, 4, आंसर आया 4। अब देखो बेटा आपको मैम ने फिर सारा समझा दिया ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डॉजिंग भी करा दी, आज आपने इन सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और बिना मम्मा की हेल्प से ये काम करना है। अपनी नोटबुक पे भी आफ्टर बिफोर बिटवीन रिवाइज करोगे और ऑरली भी रिवाइज करोगे, अपने मम्मा को बोलना कि ऑरली आपको फ्लैश कार्ड्स दें और आपसे पूछें कि 2 के बिफोर क्या होता है, 3 के आफ्टर क्या होता है, 7 और 9 के बिटवीन क्या होता है, 4 के बिफोर क्या होता है, 6 के आफ्टर क्या होता है, इस तरह से। तो आप लोग फ्लैश कार्ड्स के साथ, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स के साथ ज़रूर कोशिश करना बेटा आफ्टर बिफोर और बिटवीन की।
ये आपको ओरल में भी आएगा और रिटन में भी आएगा। मैम आपको फ्लैश कार्ड दिखा के सुन सकते हैं कि 6 से बिफोर क्या होता है, 7 के आफ्टर क्या होता है, 7 और 9 के बिटवीन क्या होता है। इसीलिए आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है और ओरल प्रैक्टिस भी। अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है रिटन में कि जब 4 के आफ्टर हो बाद में तो डाउन वाला नंबर आएगा। जब किसी नंबर के पहले लाइन लगी है, ठीक है, उससे पहले ही लगी है, बाद में नहीं ना लगी, देखो बाद में नहीं है लाइन, तो वो होता है बिफोर यानी पहले ऊपर वाला नंबर। और जब बीच में लगी है तो इसका मतलब बीच वाला नंबर, जैसे 1 और 3 के बीच में 2। आफ्टर मीन्स बाद में, डाउन नंबर याद रखना है। और मम्मा ने नहीं आपने वीडियो देखनी है, जैसे 4 के आफ्टर 5, 0 के आफ्टर 1, ऐसे ही बिफोर में पहले वाला यानी ऊपर वाला नंबर। अब 3 के ऊपर 2 होता है ना, तो बिफोर मीन्स अपर नंबर, 3 से पहले 2 आता है, 6 से पहले बिफोर 5 आता है, 9 के पहले 8 आता है, 7 के पहले 6 आता है। तो पहले को क्या बोलते हैं, बिफोर, और बाद को क्या बोलते हैं, आफ्टर, और बिटवीन में क्या होता है, बीच वाला नंबर। इसमें आफ्टर, इस वाले के आफ्टर वाला लिखना होता है, जैसे 4 के बाद 5 फिर 6, 4 और 6 के बीच में 5 आता है। तो ये वीडियो आपने बड़े ध्यान से देखनी है, और व्हाट कम आफ्टर बिफोर बिटवीन आपने नोटबुक पे भी करना है और मम्मा के साथ फ्लैश कार्ड्स के साथ भी प्रैक्टिस करनी है।